सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। दो इतिहास अध्याय सात, दो इतिहास अध्याय सात वचन चौदह। आइए वचन को देखते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूं और उनके देश को ज्यों का त्यों करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते, कहता है अगर वह दीन बनकर, कहता है वे दीन बनकर प्रार्थना करें, वो परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोग अर्थात मेरे चुने हुए लोग अर्थात मुझे मुझसे प्रेम करने वाले लोग, मैं मुझे चाहने वाले लोग, कहता है कि अगर मेरे सामने दीन बन जाए और दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चाहे, कहता है वह मुझसे प्रार्थना करना चालू करे, तो कहता है कि मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। कहता है अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, अगर वह नम्र और मन का दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। दर्शन की खोजी होने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए ललाई हो जाए। इसलिए कहता है कि मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे। कहता है अगर दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, यानी कहता है कि जो उनके बुरे चाल चलन है, बुरे स्वभाव है, बुरे आचरण, बुरे व्यवहार है, कहता है उन सारे बुरे कामों को छोड़कर उन बुराई से फिर जाएं, तो कहता है मैं स्वर्ग में से उनके लिए, परमेश्वर परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी विनती को सुनकर उनके सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके सारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहता है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी जैसे मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के समय अदन नाम के बगीचा के अंदर मनुष्यों को जो रखा था, क्योंकि जो अदन का बगीचा था वह स्वर्ग के समान था। तो कहता है कि जब मनुष्य निष्पाप निष्कलंक था, जब उसके पास कोई पाप नहीं थे, तो कहता है कि जिस प्रकार मैंने उनको स्वर्ग के समान अदन नामक बगीचे के अंदर रखा था, कहता है ठीक उसी प्रकार यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर वह दीन बने और मुझसे प्रार्थना करें, मुझे 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 देखने के लिए, मुझे पाने के लिए उत्सुक हो जाएं और अपनी बुरी चाल से वो अपना मन फिरा ले, अगर बुरी चाल से मन फिरा ले, तो कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी सारी विनती को सुनकर उनके पापों को, तो पहला काम क्षमा करूंगा, कहता है कि मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, फिर उसके बाद उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी जैसे वो स्वर्ग के अंदर थे वैसे उन्हें स्वर्ग के लायक बना दूंगा और वह स्वर्ग के राज्य के अधिकारी। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके समस्त जीवन को आशीष दूंगा और पूरा जीवन आशीष से भर दूंगा। तो सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने अगर वह दीन बनता है और हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है और परमेश्वर को पाने के लिए हमेशा लड़ाई रहता है और हमेशा बुरी चीजों से घृणा करता है और बुराई से मन फिराकर परमेश्वर की आराधना करता, प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर की पवित्रताई की तरफ झुकता है, पवित्रताई की तरफ आकर्षित होता है, तो वचन क्या कहती है कि परमेश्वर कहता है ना
जिमैसा देखकर स्वर्ग से क्या करूंगा, उनकी आवाज को सुनूंगा, उनकी विनती को सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा, यानी उन्हें आशीष से भर दूंगा। इसलिए मेरी प्यारी बहन, यदि सच में आप अपने ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, तो जरूर जरूर है कि परमेश्वर के अधीन आए हो जाइए, अपने पापों से मन फिराइए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य दे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। जरूर है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम है वह सब पूरा होने पाए। जीवन में जो निराशा है वो सारी निराशा खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बीमार लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी बीमारियां उनके शरीर से खत्म हो जाए, उनके सर में दर्द निकल जाए, आंखों की परेशानी निकल जाए, कान की परेशानी, नाक की परेशानी, मुंह की परेशानी, गले में कोई तकलीफ हो निकल जाए, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में कोई दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके संपूर्ण शरीर में जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म होने पाए, संपूर्ण शरीर की सारी तकलीफें चली जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए बाबा, सिर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खिजिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्लोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी दमा HIV TB कैंसर सब खत्म हो जाए, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा होने पाए, शरीर की सारी परेशानियां दूर, ये शरीर ज्यों का त्यों चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रभु नष्ट होने पाए, कोई भी तांत्रिक प्रभाव खत्म हो जाए, हर शैतानी बंधन के जीवन से टूटने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता है तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु, इनके जीवन में बरकत की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो गरीबी के श्राप है टूट जाए, गरीबी के श्राप से छुटकारा, कर्ज से मुक्ति मिले, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन, प्रभु उनके जीवन में जो दुख विपत्ति है सब खत्म होने पाए, हर तांत्रिक प्रभाव से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे आज सबके जीवन में नया नया चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष को आने दे पिता, स्वर्ग का भंडार खोल, स्वर्गीय आशीष के द्वारा इन्हें परिपूर्ण कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता इनकी इनकी कमाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि इनके कमाई में बरकत होने पाए, कमाई के ऊपर रोजी रोजगार के ऊपर बरकत की आशीष आने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष, ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार को, और हे परमेश्वर जितने लोग आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य में भरना चाहते, प्रभु स्वर्ग को खोल और स्वर्गीय आत्मा का स्पर्श होने दे। प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, पवित्र आत्मा सुले रेखाला बा सुंदुलो रिबासा खाला बंदे ले री आबाला बा सबाला बा रबासे खेरें तो सुंदुलो रिबासा खाला। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता था स्वर्ग से सारी सामर्थ्य के जीवन, ताकि ये परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के द्वारा इनका जीवन भर जाए, ये शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां, हर एक परेशानियां नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा तेरे नाम में इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।